एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुरप्रसाद। अकाल पुरख एक है जिसका नाम होंद वाला है, जो सृष्टि का रचनहार है, जो सब विच व्यापक है, पै तो रहित है, वैर रहित है, जिसका स्वरूप काल तो परे है, भाव जिसका शरीर नाश रहित है, जो जूना विच नहीं आता, जिसका प्रकाश अपने आप तो होया है, अते जो सतगुरु दी कृपा नाल मिलता है। जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। इस सारी बाणी दा नाम जप है। हे नानक, अकाल पुरख मुढ तो होंद वाला है, जुगां दे मुढ तो मौजूद है, इस वेले भी मौजूद है, ते अगा नू भी होंद वाला रहेगा। सोचै सोच ना होवे जे सोची लख वार, जे मैं लख वारी भी इशनान आदिक नाल शरीर दी सोच रखा, ता भी इस तरह सोच रखन नाल मन दी सोच नहीं रह सकती। चुपै चुप ना होवी जे लाए रहा लिवतार, जे मैं शरीर दी एक तार समाधि लाई रखा, ता भी इस तरह चुप कर रहन नाल मन दी शांति नहीं हो सकती। भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार, जे मैं सारे भवना दे पदार्थां दे ढेर भी सांभ लवां, ता भी तृष्णा दे अधीन रहा तृष्णा दूर नहीं हो सकती। सहस सियान पालख होही ता एक ना चले नाल, जे मेरे विच हजारां ते लखां चतराईयां होवन, ता भी उन्हां विचों एक भी चतराई साथ नहीं देंदी। किव सचियारा हुई है किव कूड़ै टुटै पाल, अकाल पुरख दा प्रकाश होण लई फिर योग किवें बन सकदा है, अते साडे अंदर दा कूड़ दा पर्दा झूठ दा पर्दा किवें टुट सकदा है। हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल, रजा दे मालक अकाल पुरख दे हुकम विच तुरना इह एक विधि है। हे नानक, इह विधि तुर तो जद तो जगत बनया है लिखी चली आ रही है।